चार राज्यों में बीजेपी की जीत पर भाजपा भूली मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भूली में विजय जुलूस निकालकर मनाया जश्न। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद धनबाद के भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली से पहले होली मना लिया। धनबाद के भूली में भाजपा भूली मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अबीर गुलाल लगाया। वहीं भाजपा भूली मंडल के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चार राज्यों में भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणाम आने की खुशी मनाई और खासकर यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। भाजपा भूली मंडल के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 में जीत के बाद अब 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भाजपा केंद्रीय सत्ता में आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी भूली मंडल की ओर से यह आतिशबाजी और जुलूस का रूप लिया गया, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चार प्रदेश में हम लोगों ने सरकार बनाया है। दूसरी बात, यूपी में सभी दलों ने एकजुट होकर बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं बनने को रोकने के लिए बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन उनके कुशल नेतृत्व में बुलडोजर बाबा ने जो काम कर दिया था, पुनः यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। गोवा में भी हमारी सरकार, मध्यप्रदेश में भी हमारी सरकार और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनी। उस खुशी को उजाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता एकजुट होकर आतिशबाजी करते हैं और मिठाई बांधकर खुशी मनाते हैं और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए वहाँ की आम जनता को, भारत के लोगों को और उस प्रदेश में निवास करने वाले तमाम माता एवं बहनों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मोदी जी को और योगी जी के भावनाओं को समझा। दलित, स्वर्ण, ओबीसी, पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सबकी भावनाओं को सम्मान करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास, सभी मतदाताओं ने प्रयास करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसीलिए हम लोग सभी जोश उमंग के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारतवासी के तमाम लोगों को, विभिन्न प्रदेश के लोगों को आभार सहित धन्यवाद जिन्होंने वोट किया और कुशल नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हृदय से साधुवाद देते हैं और आपने विश्व में जो परचम लहराया है इसके लिए आपको बहुत बहुत। वहीं भाजपा कार्यकर्ता इस विजय जुलूस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए, हर एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए और जय श्री राम के नारों से पूरा भूली गूंज उठा।